टू इलर्निंग स्कूल बाय सचिन। हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था वर्ल्ड की टॉप 5 कंपनियों के बारे में। जो कंपनी आती है फेसबुक, अमेजन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट। तो लास्ट लेक्चर में हमने फेसबुक के बारे में कवर किया था। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे गूगल के बारे में, यानी कि जिसे हम गूगल बाबा भी कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गूगल एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिक कंपनी है जिसका स्वामित्व अल्फाबेट इंक के पास है। जो मेनली जो गूगल पैसा कमाता है वो अपने एडसेंस के जरिए कमाता है, यानी कि जो गूगल पे एड जनरेट होते हैं उसके जरिए वो अपना पैसा कमाता है। जिसकी फाउंडिंग डेट है वो 24 सितंबर 1998 है, मनेलो पार्क कैलिफोर्निया में इसको फाउंड किया गया था। फाउंडर थे इसके सर्जरी बिन एंड लैरी पेज। जो वर्तमान इसके जो करंट सीईओ है वो भारत मूल के ही सुंदर पिचाई है। जो वर्तमान में यानी कि जो करंट में इसका गूगल का हेडक्वार्टर्स वो माउंट व्यू कैलिफोर्निया यूएसए में है। यह कंपनी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से पीएचडी के दो छात्र सर्जरी बिन एंड लैरी पेज द्वारा स्थापित की गई थी। इन्हें गूगल गाइस के नाम से भी जाना जाता है। जो ये फोटो में लेफ्ट हैंड साइड पर आपको दिखाई दे रहे हैं ये सर्जरी बिन है, और राइट हैंड साइड पर जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये लैरी पेज है। कंपनी का जो स्लोगन है वो गूगल के इंजीनियर ही होते थे पॉल बुकिट ने निकाला था, डोंट बी एविल, यानी कि बुरा न बने। तो ये उनकी टैगलाइन है गूगल की, जो उनके गूगल के इंजीनियर होते थे पॉल बुकिट, उन्होंने बनाई थी कि डोंट बी एविल। तो गूगल गैस के नाम से किसे जाना जाता है? सर्जरी बिन एंड लैरी पेज को जाना जाता है। गूगल का जो इतिहास है, गूगल की शुरुआत 1996 में एक रिसर्च परियोजना के दौरान लैरी पेज तथा सर्जरी बिन ने की थी। उस वक्त ये लैरी और सर्जरी स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय कैलिफोर्निया में पीएचडी के छात्र थे। उसी समय पर एक चाइनीज साइंटिस्ट होते थे ली, वो भी एक सर्च इंजन पर वर्क कर रहे थे, और बाद में वो रजिस्टर कराते हैं बाइडू के नाम से, जो यानी कि चाइना का अपना सर्च इंजन है बाइडू, वो बाद में उसको रजिस्टर कराते हैं। उस समय पारंपरिक एक सर्च इंजन का सुझाव आया था जो रिजल्ट की वरीयता यानी कि वेब पेज पर सर्च टर्म की गणना से तय करते थे, यानी कि जो हमारे वेब पेज का रिजल्ट आते हैं वो उसके हिसाब से, उसके सर्च गणना के हिसाब से सर्च टर्म को तय करते थे। जबकि लैरी और सर्जरी के अनुसार एक अच्छा सर्च सिस्टम वह होगा जो वेब पेज के ताल्लुक का विश्लेषण करे, यानी कि उनका मानना था कि अच्छा सर्च इंजन वो होगा जो हमारे वेब, जैसे कि हम वेब पेज खोलते हैं, मान लें कि हमने फेसबुक खोला, तो यानी कि वो जितनी बार खुलेगा, जितनी बार उसके अच्छे रिजल्ट होंगे वो उतना ही अच्छा बेटर रहेगा। यानी कि मान ले किसी ने फेसबुक एक बार क्लिक किया, दो बार क्लिक किया, तीन बार क्लिक किया, तो जैसे ही अननोन पर्सन आया उसने फेसबुक डाला तो सर्च ने सबसे पहले फेसबुक को दिखाएगा। तो उनका मानना ये था। इस नई तकनीक को उन्होंने पेज रैंकर्स का नाम दिया। पेज तथा ब्रेन ने शुरुआत में अपने सर्च इंजन का नाम बैक रैप रखा, यानी कि बैक लाइन्स पे, यानी कि जो कीवर्ड्स होते हैं ये उस पर डिपेंड था। तो ये बैक लाइन्स इन्होंने स्टार्टिंग में इसका नाम रखा, क्योंकि जो सर्च इंजन था पिछली कड़ी जो कीवर्ड्स के आधार पर ये किसी साइट की वरीयता तय करता था, यानी कि कौन सी साइट बार बार खुल रही है, बार बार ओपन हो रही है, ये उसके हिसाब से जो कीवर्ड होते हैं, मान लें कि फेसबुक, तो FACEBOOK, यानी कि तो ये कीवर्ड्स जो हैं ये इन कीवर्ड्स पर अपनी वरीयता के हिसाब से आधार पर ये इन्होंने इस सर्च इंजन को इन्वेंट किया था। गूगल सर्च इंजन काम कैसे करता है? मान लीजिए कि जैसे आपने कोई कीवर्ड डाला इसमें सर्च बार में, मान लिया कि आपने एस डाला, तो ये क्या करेगा अपने कुकीज में यानी कि अपने सर्वर में एस को सेव करता चला जाएगा। ऐसे ही ए डाला, सी डाला, एच डाला, आई डाला और एन डाला। तो मान लिया किसी ने आगे सचिन डाला कि सचिन तेंदुलकर इज ए फेमस क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड, एंड उनको भगवान भी कहा जाता है क्रिकेट का भारत में। तो मान लिया किसी ने आके सचिन आके डाला, तो ये क्या गूगल का सर्च इंजन क्या करेगा, अपने सर्वर में उन वर्ड्स को सेव करना स्टार्ट कर देगा। तो मान लिया कोई दोबारा जैसे ही किसी ने एस डाला तो सबसे पहले टॉप पे सचिन को ही दिखाएगा। क्यों? क्योंकि वो पहले ही उसके कुकीज में सेव हो चुका है, वो बार बार उसी कीवर्ड पर। तो यानी कि बेसिकली जो सर्च इंजन होता है वो वर्क करता है कि इसमें कोई कीवर्ड आया तो उस कीवर्ड को वो स्टोर कर लेता है, यानी कि वो अपनी बकेट में उसको स्टोर कर लेगा। एक तरीके से आप सर्च इंजन को मान सकते हैं, गूगल को मान सकते हैं कि ये एक भंगार वाला है, यानी कि जैसे कि वो भंगार वाला पुराने सामानों को भी अपने पास रखता है, ऐसे ही जो भी इसके पास कीवर्ड आता है ये उस कीवर्ड को अपने पास रखता है, और जो नेक्स्ट कीवर्ड आएगा उसमें इसको ये जोड़ता चला जाता है, यानी कि एक कीवर्ड के बाद इसने एस को जोड़ा, फिर सी को जोड़ा, फिर एच को जोड़ा, फिर आई को जोड़ा, फिर एन को जोड़ा। मान लिया कि आपने याहू सर्च किया तो आपने इसी वाई डाला तो ये वाई को जोड़ा चला जाएगा, फिर इसमें ए जोड़ देगा, सी
फिर डब्ल्यू ओ एल एच ओ ऐसे करके ही याहू को जोड़ दिया इसने। यानी कि ये पर वर्ड जो कीवर्ड होते हैं ये उनको सेव करना चला जाता है अपने सर्च इंजन पे, यानी कि अपनी बकेट में। इस तरीके से गूगल सर्च इंजन वर्क करता है। आपने कभी कभी देखा होगा कि किसी इवेंट पर या गूगल में कुछ इवेंट्स बने हुए आते हैं। मान लिया कि जैसे कि आज कारगिल दिवस है तो यहाँ पर कारगिल दिवस के रूप में हमारी आर्मी सेना दिखाई देगी, तो उसको जो बोलते हैं उसको बोलते हैं डूडल, यानी कि गूगल को क्या बोलते हैं उसको डूडल बोला जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि गूगल का जो सर्च इंजन है वो कैसे वर्क करता है, यानी कि वो कीवर्ड जो कीवर्ड होते हैं उनको सेव करता चला जाता है और उन्हें एक के बाद उन्हें लाइन बाय लाइन उनको ऐड करता चला जाता है नेक्स्ट वर्ड में। कि जैसे ही मान लिया किसी ने आके उसको डाला तो वो फिर एकदम से सबसे टॉप पर उसी कीवर्ड को दिखाएगा जो जितनी बार सर्च हुआ है, जितनी बार उसको देखा गया है किसी सर्च इंजन पर। बाद में पेज और बिन ने अपने सर्च इंजन का नाम गूगल रखा। गूगल एक अंग्रेजी शब्द है गूगल, यानी कि जो उसकी गलत वर्तनी है गूगल की, गूगल है, यानी कि गूगल का मतलब होता है वह नंबर यानी कि एक के बाद जिसमें 100 शून्य हो, तो वो गूगल कहलाता है। तो ये इस गूगल से ही बिगड़ा हुआ शब्द है गूगल। नाम गूगल इस बात को दर्शाता है कि कंपनी का जो सर्च इंजन है लोगों के लिए जानकारी बड़ी मात्रा में उपलब्ध कराने के लिए कार्यरत है। अपने शुरुआती दिनों में जो गूगल था वो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय की जो वेबसाइट होती थी उसी के डोमेन नेम से चला था। बाद अब जो गूगल है वर्तमान में उसने नैस्डॉक स्टॉक एक्सचेंज में टिकर चिन्ह, यानी कि जो उसका चिन्ह है गूगल का वो उसका अपना ऑफिशियल चीज है, साइन है GOOG, और फ्रैंकफर्ट शेयर बाजार में जो उसका टिकर चिन्ह है वो GOOG1 से सूचीबद्ध इन्होंने अपने आप को करा लिया है। तो गूगल का मतलब क्या होता है, एक के बाद 100। तो गूगल जो मेनली है ये एक सर्च इंजन है जो बड़ी मात्रा में कार्यरत जानकारी प्राप्त कराता है हमारे सभी कस्टमर्स को जो नेट का यूज करते हैं। तो आजकल गूगल को गूगल बाबा भी कहा जाने लगा है। तो आपको समझ में आया हो गूगल बाबा को किस तरीके से वर्क करता है, यानी कि वो कीवर्ड के साथ खेलता है। उसने उसके पास कोई कीवर्ड आया, उसने उस कीवर्ड को अपने कुकीज में सेव किया और उसके बाद मान लिया वो उन शब्दों को जोड़ चला जाता है कि SACHIN, तो वो क्या बन गया, एक नेम बन गया। आपको लगता होगा कि वो नेम बन गया, वो नेम नहीं है, वो कीवर्ड है उसका, वो उस कीवर्ड में उनको जोड़ चला जाता है। तो आपको लगता है कि वो शायद एक नेम है, लेकिन उसके हिसाब से वो नेम नहीं है, वो केवल उन वर्ड्स को वन बाय वन अपने बकेट में सेव करता जाता है कीवर्ड, यानी कि सारा का सारा खेल कीवर्ड का है गूगल के अंदर। सन 2006 से कंपनी का जो मुख्यालय है वो माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया में है, और जिसकी फाउंडिंग हुई थी कहां पर हुई थी, मनीला, जहां पर किसका हेडक्वार्टर है, फेसबुक का भी हेडक्वार्टर है। जिसके कारण कंपनी की मूलभूत सेवा वेब सर्च इंजन के अलावा गूगल ने कई नए उत्पादों का सॉफ्टवेयर जैसे कि जीमेल ईमेल सर्विस के लिए, एक इनकी सोशल नेटवर्किंग सर्विस भी होती थी ओरकुट, जो फिलहाल शायद अब बंद हो गई है या किसी दक्षिण अमेरिका या साउथ अमेरिका में शायद आज भी चल रही है ओरकुट। हाल ही का जो इनका गूगल बस भी आया है वो प्रदान करती है, यानी कि वेब सर्च इंजन के अलावा जीमेल और गूगल बस भी देते हैं। गूगल के कुछ डेस्कटॉप कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर भी आए हैं जैसे कि वेब ब्राउजर है हमारा गूगल क्रोम, फोटो एडिटिंग है पिकासा, मैसेजिंग एप्लीकेशन है गूगल टॉक। तो यानी कि ये इनके वेब सर्च इंजन के अलावा कुछ इनके सॉफ्टवेयर भी है। विशेषतः गूगल जो है नेक्सस 1 तथा मोटरोला एंड्रॉइड जैसे फोनों में डाले जाने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड का भी स्वामित्व रखता है। यानी कि 2010 के दौरान या 11 में आई थिंक, तो गूगल ने अपने एंड्रॉइड बंद करके मोटरोला में अपने ही सॉफ्टवेयर के एंड्रॉइड को डाला था, यानी कि उनका गूगल का फोन आया था नेक्सस 1 और मोटरोला में एंड्रॉइड 1 के नाम से इन्होंने अपने सॉफ्टवेयर को डाला था। यानी कि जो ये एंड्रॉइड है ये एक बेसिकली एक तरीके से ये मिनी कंप्यूटर है। एलेक्सा के अनुसार google.com को इंटरनेट की सबसे ज्यादा दर्शित वेबसाइट बताती है, यानी कि एलेक्सा के अनुसार गूगल जो .com है वो सबसे ज्यादा पब्लिश होने वाली google.com की इंटरनेट की वो साइट है। इसके अलावा गूगल की जो अन्य वेबसाइट है जैसे कि google.in और google.uk शीर्ष के 100 वेबसाइटों में आती है, टॉप 100 वेबसाइटों में आती है। ये सी इन का मतलब है इंडिया और यूके का मतलब है यूनाइटेड किंगडम। यही स्थिति गूगल की साइट यूट्यूब और ब्लॉगर की भी है। उपलब्धियां हैं गूगल की। गूगल ने 2004 में की होल निक सॉफ्टवेयर होता था एक अर्थ व्यूअर का अधिग्रहण किया, यानी कि जो हम आजकल लोकेशन देखते हैं मैप देखते हैं 3D वगैरह में वो एक की होल नाम की कंपनी होती थी निक सॉफ्टवेयर, ये उनका अर्थ व्यूअर है, इन्होंने इसको
ऑन कर लिया था। उसके बाद इन्होंने गूगल ने 2005 में इसका नाम चेंज करके गूगल अर्थ कर दिया। 2007 में गूगल ने यूट्यूब का भी अधिग्रहण कर लिया और गूगल डॉक्स गूगल की उत्पादक समूह उत्पाद है, यानी कि गूगल डॉक्स जैसे कि हमारी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्स डॉक्यूमेंट होते हैं, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट, ऐसे ही गूगल शीट भी आई है गूगल डॉक्यूमेंट्स के नाम से, जिसमें हम पावर पॉइंट और एक्सेल स्प्रेडशीट वगैरह यूज कर सकते हैं। गूगल ट्रांसलेटर एक सर्वर साइड मशीन अनुवाद सेवा है जिसमें अप्रोच 50 लैंग्वेज को हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे आपके फोन में भी होगा, आपने अपने ब्राउजर में भी देखा होगा कि हम एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो गूगल ट्रांसलेटर है। ये लगभग आज के डेट में लगभग 50 लैंग्वेज तक ये ट्रांसलेट कर सकता है। तो 2007 में उन्होंने यूट्यूब को ऑन किया और 2004 में इन्होंने होल के अर्थ व्यूअर को ऑन किया था, बाद में 2005 में जिसका नाम इन्होंने गूगल अर्थ रखा। थोड़ी सी स्टोरी ये भी है गूगल के बारे में कि जब लैरी पेज और जो ब्रिन होते थे ये अपनी पीएचडी कर रहे थे, तो इन्हें लगा कि हम अपना ज्यादा समय अपने सर्च इंजन यानी गूगल को दे रहे हैं, तो इन्होंने इसको क्या किया कि हम ये पढ़ाई नहीं कर पाते थे, तो इन्होंने सोचा कि हम इसको सेल कर देते हैं। तो कोई कंपनी होती थी जिसके मालिक होते थे विकास खोसला, इनके साथ इनका एग्रीमेंट भी साइन हो जाता है, लेकिन किसी कारणवश वो उनका एग्रीमेंट कैंसिल हो जाता है और वो गूगल को परचेस नहीं कर पाते, जिसके लिए बाद में विकास खोसला को काफी क्रिटिसाइज भी होना पड़ा था, क्योंकि गूगल आज के डेट में टॉप ब्रांड में आता है, ये टॉप बिग फाइव कंपनीज में आता है। उसी दौरान जो एप्पल थी उनका एक आईओएस जो उनका सॉफ्टवेयर है उस पर उन्होंने कोई उस पर वो काम कर रहे थे। इसी दौरान गूगल भी एक एंड्रॉइड जो उनकी परियोजना थी ये भी उसको वर्क कर रहे थे, जो बाद में क्या निकली ऑपरेटिंग सिस्टम निकला एंड्रॉइड की। छोटी सी स्टोरी ये है कि एक एंडी नाम के साइंटिस्ट होते थे, जब वो इस एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर पर वर्क कर रहे थे तो गूगल ने उनको तभी देख लिया था कि ये किसी एंड्रॉइड नाम के सॉफ्टवेयर पर वर्क कर रहे हैं, तो इन्होंने उसको तभी उन्होंने इसको ऑन कर लिया कि इस सॉफ्टवेयर को हम लेंगे। तो जो ये एंड्रॉइड है बेसिकली उन्हीं के नाम पर है, एंडी के नाम पर। तो बाद में होता उस टाइम पे क्या होता कि नोकिया जो थी वो टॉप कंपनी थी मोबाइल सेलुलर में, तो नोकिया जो उस टाइम पे नोकिया जो सॉफ्टवेयर होता था वो सिम्बियन चलता था, जबकि ये एंड्रॉइड जो है ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो उसमें क्या था कि जब एंड्रॉइड को परचेज करने की बात आई तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने ऑफर नोकिया के पास दिया, लेकिन नोकिया उस टाइम पर किसी देश के अंदर अपना पहले ही बहुत महंगा फोन वो लॉन्च कर चुका था और उसके लिए उसने सब कुछ प्लानिंग कर ली थी, तो वो इस सौदे को खरीद नहीं पाया। और दूसरी उसने कंडीशन ये रख दी थी कि गूगल जो एंड्रॉयड है केवल नोकिया को देगा और किसी कंपनी को नहीं देगा, यानी कि उसकी कंडीशन उसने दूसरी फाउंडेशन ये भी रख दी थी साथ में गूगल की। तो फिर एक कंपनी है साउथ कोरिया की सैमसंग, उस समय पर जो सैमसंग थी सैमसंग का जो सॉफ्टवेयर होता था बाटा होता था उनके जो फोन में यूज किया जाता था, लेकिन वो जो सैमसंग की उस दौरान सैमसंग की जो कंपनी थी वो डूब रही थी, मतलब कि वो बिल्कुल खत्म होने की कगार पे थी। उस ट्रेंड पर एंड्रॉयड आया जो उन्हें उभार कर ले गया। सैमसंग एंड्रॉयड को परचेस करता है, वो अपने फोन में एंड्रॉयड का यूज करता है और रातों रात ही जो सैमसंग हिट हो जाता है और जो नोकिया टॉप कंपनी होती थी उस समय पर वो बिल्कुल फ्लॉप हो जाती है। एंड्रॉयड फोन के आने से आपने देखा होगा कि पहले क्या होता था नोकिया के फोन में कि हमें इंटरनेट चलाने के लिए सेटिंग मंगानी पड़ती थी कंपनी से, लेकिन एंड्रॉयड बिल्कुल एक सैटेलाइट थ्रू हमारी कनेक्टिविटी है, इसके अंदर हमें कोई सेटिंग मंगाने की जरूरत नहीं पड़ती, आप सिम डालो और एंड्रॉइड फोन चालू हो जाएगा। तो उस दौरान जो सैमसंग बिल्कुल डूब रही थी एंड्रॉइड के आने से वो बिल्कुल ऊपर चली गई, और जो उसके अदर प्रोजेक्ट थे यानी कि जैसे कि सैमसंग की वॉशिंग मशीन, सैमसंग के टीवी, सैमसंग के फ्रिज, उसके मतलब कि उस पर इतना इफेक्ट पड़ा कि उसके और प्रोडक्ट भी और कंपनी मार्केट में अच्छे प्रोडक्शन करने लगे। फॉर्च्यून पत्रिका के अनुसार सबसे अच्छी कंपनियों में 2007 और 8 में काम करने वाले की सूची में इन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया गूगल ने, और 2009 और 10 में इन्होंने चौथा स्थान प्राप्त किया है। गूगल के जो नए कर्मचारी है उनको नुगलर्स कहा जाता है। जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है उसमें गूगल का नाम रजिस्टर्ड है, यानी गूगल किसके लिए यूज किया जाता है, सर्च करने के लिए। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में आप चेक कर सकते हैं डिक्शनरी में जाके, गूगल का मतलब आपको वहां पर किसी चीज की जांच करना ही मिलेगा, यानी कि गूगल रजिस्टर्ड है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में भी। तो ये थी एंड्रॉइड की और सैमसंग की और गूगल की कहानी।
भारत में जो गूगल है वो इंडियन रेलवे के साथ मिलकर सभी स्टेशनों पर फ्री वाईफाई की सेवा भी प्रदान कर रहा है। जो इनका बाउंड अप हुआ है वो रेलटेल के साथ हुआ हुआ है, ये 5 जो नॉर्दर्न कंपनी है इंडिया की, ये उसमें आती है रेलटेल। तो ये पीएसयू है रेलटेल, इनके साथ गूगल का टाई अप है कि इंडियन के जितने भी ये इंडियन रेलवे स्टेशन है वहां पर ये फ्री वाईफाई की सुविधा देंगे। आपने चलाया भी होगा, वो काफी अच्छी स्पीड देते हैं आजकल स्टेशनों पर। थोड़ा सा सुंदर पिचाई के बारे में भी जान लेते हैं। जो वर्तमान में गूगल के करंट सीईओ हैं, उनका नाम है सुंदर पिचाई, इनका पूरा नाम है पिचाई सुंदर राजन। इनका जो जन्म है वो 10 जून 1972 को मदुरै तमिलनाडु भारत में होता है, यानी कि भारतीय मूल के नागरिक है। इन्होंने जो अपनी शिक्षा की वो आईआईटी खड़गपुर से की, यानी कि ये जो इन्होंने कंप्यूटर साइंस में अपनी बीटेक की थी वो आईआईटी खड़गपुर से की थी। इनकी पत्नी जो अंजलि पिचाई है वो भी आईआईटी खड़गपुर की ही स्टूडेंट है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर के बारे में ये जानने वाली बात है कि ये भारत की सबसे पहली आईआईटी है। ये क्वेश्चन शायद एक बार किसी एग्जाम में पूछा भी गया था कि भारत की सबसे पहली आईआईटी कौन सी है, तो वो आईआईटी खड़गपुर है जो प्रथम योजना के दौरान बनाई गई थी। आईआईटी खड़गपुर के कुछ नोटेबल एलुमनी भी हैं, जैसे कि अरविंद केजरीवाल जो वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं, ये आईआईटी खड़गपुर के ही फॉर्मर स्टूडेंट है। या आपने इनकी बहुत सारी स्कीम देखी होंगी, जैसे कि इनकी एक स्कीम थी ऑड इवन की कार वाली, और इन्होंने भी लेटेस्ट लॉन्च की थी कि रेड लाइट ऑन बत्ती ऑफ, मतलब कि जैसे ही रेड लाइट पर गाड़ी आप मिलेगी तो आपकी गाड़ी ऑफ हो जानी चाहिए, तो रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, इन्होंने स्कीम ये भी निकाली थी। और इनकी अलग मलेरिया को लेके भी काफी अच्छी अच्छी स्कीम आई थी। इन्होंने दिल्ली में मतलब स्टडी को लेकर, एजुकेशन को लेकर जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है उन्होंने उसको काफी इंप्रूव कर दिया है। जो दिल्ली गवर्नमेंट के जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, प्राइमरी स्कूल होते हैं, उनमें भी मतलब इतनी अच्छी फैसिलिटी इन्होंने कर दी है कि उसके अंदर सीसीटीवी कैमरे तक की इन्होंने सुविधा दे दी है क्लास रूम में। तो ये अरविंद केजरीवाल है, वर्तमान हमारी यूनियन टेरेटरी यानी कि हमारी कैपिटल दिल्ली के, न्यू दिल्ली के ये सीएम है यानी कि चीफ मिनिस्टर है, ये भी आईआईटी खड़गपुर के ही फॉर्मर स्टूडेंट है। दूसरे हैं जितेंद्र कुमार, आपने मूवी देखी होगी कोटा फैक्ट्री, जीतू भैया, ये जीतू भैया भी हमारे आईआईटी खड़गपुर से ही है। हमारे फॉर्मर जो हमारे उड़ियन मंत्री थे अजीत सिंह, जो रालोद के अध्यक्ष भी थे, जिनका भी कुछ महीने पहले या आई थिंक लास्ट ईयर इनका निधन हो गया था, जिनके लड़के हैं जयंत चौधरी, अजीत सिंह भी आईआईटी खड़गपुर के ही फॉर्मर स्टूडेंट हैं। के राधा कृष्णन जो फॉर्मर चीफ एग्जीक्यूटिव थे इसरो के, जिनके टाइम पर मंगलयान लॉन्च हुआ था, तो उस टाइम पे कौन थे, के राधा कृष्णन थे, ये इसरो के उस टाइम पर अध्यक्ष थे यानी कि चेयरमैन थे, डायरेक्टर थे, ये भी आईआईटी खड़गपुर के ही फॉर्मर स्टूडेंट हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब करें ई लर्निंग स्कूल, और ऐसे ही मोर वीडियो देखने के लिए देखते रहे ई लर्निंग स्कूल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।